पर भला जानवी अपने ही ग्लास में इतनी सारी नींद की गोलियां क्यों मिलाएगी? पर भाभी वो गिलास उनका था ही नहीं जब आप किचन से बाहर गए थे और उनके लिए शिकंजी बनाने लगे थे, पर अचानक से मेरे से वो गिलास टूट गया था। श्रीपति कोई बात नहीं, मैं अपना वाला शिकंजी जानवी को देकर आती हूँ। जानवी ने मेरे ग्लास में नींद की दवाई मिलाई थी। आज सवाल मैं करूंगी और जवाब तू देगी। जानवी क्या सवाल यहाँ के, तुम क्या डायलॉग बोल रही है? मैंने कहा ना सवाल मैं करूंगी। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्या क्यों? तुम ठीक तो है ना? कहीं पागल पागल तो नहीं होगी? मुझे घर से निकाल दिया तो यहाँ पर आकर तुम बात करने लग गई। सबको यहाँ बुला लूंगी ना तो तेरी आवाज नहीं निकलेगी। आज मैं इतनी जोर से सच बोलूंगी ना कि धरती से लेकर वैकुंठ तक सब सुनेंगे। अब मैं वो पहली वाली दीपिका नहीं रही जानवी। तूने उसे नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की थी ना? मर गई जानवी। बस इतना बता दे क्यों किया तूने ऐसा? तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ ऐसे सब करूंगी? और तुझे क्या लगता है तू ये सब सबको बता देगी तो सब मान जाएंगे? हाँ, क्योंकि तेरी रिपोर्ट सबूत है और अब मेरे पास गवाह भी है। जानवी मुझे भी पता है और शिल्पा दीदी को भी पता है कि जो ग्लास मैंने तेरे लिए भिजवाया था उसमें नींद की गोलियां डाल के उसे तूने तैयार किया था। सब झूठ है, तू झूठ बोल रही है। तूने उसमें नींद की गोलियां मिलाई तेरे लिए। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर जिद हर ज्यादती को मैंने इग्नोर किया इसलिए। पर अब मैं कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ जानवी। मैं अभी के अभी जाकर सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी और इसमें मेरा शिल्पा दीदी भी साथ देगी। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, बट मैं ही हॉस्पिटल गई ना उसके बाद। जिंदगी और मौत के बीच में तो मैं ही लड़ रही थी, तू तो बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रही है तू? मैंने गलती से नींद की गोलियां ले ली थी। पर तू देना तो मुझे चाहती थी ना? नहीं नहीं नहीं, तुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसे करूंगी? मैं तुझे नहीं देना चाहती थी। और प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तूने अगर सबको बता दिया तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। मां तो मुझे सूली पर चढ़ा देगी। मैं तेरे आगे मेरे प्यार की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे दीदी। प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज मुझे माफ। ठीक है, तुझे माफ कर दूंगी। सच? तू सच में मुझे माफ कर देगी? किसी को कुछ नहीं बताएगी? तुझे माफ कर दूंगी, तुझे जेल भी नहीं जाने दूंगी और सबको सच भी नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। अब सबको सच तू बताएगी। मेरे साथ जानवी तो ठीक हो? दोबारा हमारे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानवी आप सबसे कुछ कहना चाहती है। अब क्या किया तुमने? हाँ, डराया धमकाया ताकि ये तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सके। हमारी बहू ने हमसे कहा कि बचपन से लेकर आज तक तुमने इसे कैसे टॉर्चर किया है, लेकिन याद रहे हमारे घर में हम ये टॉर्चर नहीं होने देंगे। जान से मारने की कोशिश फेल हो गई तो तुम ऐसे बदला ले रही हो? यहाँ पर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। जाओ यहाँ से, गेट आउट। खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। दिल को तुमसे प्यार हुआ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।